बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से और आप सब दोस्तों की दुआओं से आज का व्लॉग करने चलते हैं स्टार्ट। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी हम बाहर आए थे बाज़ार पेंट शेंट लेने के लिए, क्योंकि घर पर जो ग्रिल लगी है ना उसको पेंट हो रहा है, तो उसको पेंट वगैरह कर रहे हैं। और मिस्त्री को हमने बुलाया था, उसको टाइम ही नहीं मिला, तो हम खुद ही शुरू हो गए मेहर पापा। तो अभी ये कलर कम पड़ रहा था स्मोक ग्रे वाला, तो ये लेकर आए हैं। अभी ये कलर शलर हो रहा है और हमारा आज का प्लान जहाँ का है वो हम आपको आगे से बताते हैं, ताकि आपको मज़ा आए वहाँ। आज बहुत ज़्यादा मज़ेदार ब्लॉग बनने वाला है। तो अभी जल्दी से ये घर पर देते हैं, काम शाम ख़त्म करवाते हैं और आपको दिखाते हैं साथ साथ। जी तो यार, घर की ग्रिल का सारा काम शाम अभी ख़त्म नहीं हुआ था, सिर्फ दरवाजे वगैरह रंग हुए थे। पापा थक चुके थे क्योंकि भाई हम खुद ही लगे हुए थे ग्रिल श्रिल का रंग करने के लिए। अभी मैं रेडी शेडी हो गए कपड़े शपड़े चेंज करके, और अभी हम आए हुए अपने स्टूडियो में। ये बिलाल लगा हुआ कैमरे शैमरे को सेट करने के लिए, क्योंकि अभी इसके चैनल की वीडियो शीडियो बनेगी और उसको फिर एडिट वेडिट करेंगे। अभी जो मेन चीज़ थी, सबसे पहली चीज़ हमारे को ज़रूरत थी भाई, वो लाइटिंग की थी। ये हम अपने खाने पीने के लिए समोसे वगैरह ले आए, और ये हमारा स्टैंड वगैरह सारा कुछ। और लाइट वाइट दिखाओ यार निकाल के। ये हम अपने स्टूडियो के लिए यार लाइटिंग शाइटिंग लेकर आए हैं, ये देख सकते हैं। ये दो लाइटें लाए हम, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, सेट ऐसे करेंगे कि सारी रिफ्लेक्शन यहाँ पर पड़े और हमारी टेक की जो वीडियोस हैं वो भाई मज़ेदार किस्म की बन सकें। तो इसलिए हम ये लेकर आए हैं। आप हमें लाइटिंग शाइटिंग सेट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे हम सेट करें, तो आप टाइम लैप्स में इसका मज़ा लें। तब तक हम इसको सेट कर देते हैं थोड़ी देर में। जी तो यार, अभी अभी मैं बिलाल के घर से घर पर आया हूँ, और हम जो अपना सारा शूट वगैरह का सेटअप कर रहे थे, अजानें स्टार्ट हो गई हैं, शूट वगैरह का सारा सेटअप कर रहे थे। मैंने आपको दिखाया कुछ टाइम लैप्स में, थोड़ी सी वीडियो दिखाई, उसके बाद उस यानी कि लाइट का छोटा सा कनेक्टर था जो हम वहाँ पर भूल आए थे शॉप पर, मैं वो कनेक्टर वापस लेने के लिए हम गए हैं, तो मैं अपना मोबाइल वहाँ पर भूल आया। तो यानी कि सारा काम शाम करते रहे, मेरे भी जहन में नहीं कि यार वीडियो बनानी है कि नहीं, मेरे जहन में बाद में आया कि यार वीडियो बनाया, जब याद आया मोबाइल तो जेब में है ही नहीं, थोड़ा सोचा दिमाग लगाया तो याद आया वो भाई वहीं पे शॉप पर पड़ा हुआ था। तो हमने लड़के को कॉल किया, उसने कहा हाँ यार मैंने मोबाइल अपने ड्रॉअर में रख लिया था, आप आकर ले जाना। तो अभी मैं वापसी आते हुए मोबाइल उठाया, तो इसलिए वापस जा नहीं सके, क्योंकि स्टूडियो घर से थोड़ा सा दूर है, इसलिए अब वापस जा नहीं सकते, क्योंकि ठंडी हवा चलने लग चुकी थी। देख सकते हो अब रात का टाइम हो चुका है यार, हमें काफ़ी टाइम लग गया था वहाँ पर लाइटें वाइटें स्टैंड के साथ सेट करने में। तो अभी मैं घर पर आया हूँ, तो अपनी ग्रिल श्रिल को यार देखो कलर हो चुका है, जो कलर उसको हुआ हुआ था वही कलर इसको कर दिया। अब एक कोट सुबह और लग जाएगा तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। अब देखो ग्रिल यानी कि साफ़ सुथरी लग रही है। तो अपने गमले शमले भी यहाँ पर ये देखो सेट कर दिए मम्मा ने, ये सारी सेटिंग वेटिंग की है, और गैलरी में भी सेटिंग की, दिखाता हूँ आपको। ये देखो बाकी गमले शमले यहाँ पर मम्मा ने सारे सेट कर दिए, और ये जो हमने कल काम करवाया था आप देख सकते हो यार कितना खूबसूरत लग रहा है यार। आप देखो प्रॉपर एक उसने सजा कर जैसे गया था ना, देखो यार कितना खूबसूरत तरीन लग रहा है हमारी क्यारी, और सहन भी खुला खुला सा हो गया, प्यारा लग रहा है माशाल्लाह ताला। यानी कि हमारा भाई गार्डन एक कंप्लीट हो चुका है, अभी साथ साथ काम चलता जा रहा है, अभी ख़त्म तो नहीं हुआ, साथ साथ जैसे जैसे होता जा रहा है हम काम करवाते जा रहे हैं। अभी ये वाले गमले मम्मा लाई थी, ये गमले पीछे से तार डल के ही साथ चिपक जाते हैं, तो मम्मा ने कहा मैं ग्रिल के एक वहाँ लगाऊंगी और एक वहाँ पर लगाऊंगी तो खूबसूरत लगेंगे। ऐसे गमले हम और ले आएंगे, तीन तीन करके लगाएंगे तो खूबसूरत लगेंगे। मनी प्लांट जब निकलेगा तो बहुत भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। जो इसमें से पत्थर वगैरह बचे थे ना थोड़े से, तो वो हमने यहाँ पर सेट कर दिए थे इनके अंदर, और इसके अंदर ये गमले थे। इसको सुबह पापा ने कलर किया सारे गमलों को, ये देखो, और इन दोनों के अंदर मम्मा ने लहसुन लगाया है, लहसुन भाई अच्छा खासा उग चुका था, इसके अंदर धनिया लगाना है, अभी लगाया नहीं है मम्मा ने। तो अभी अजानें स्टार्ट हो गई यार काफ़ी सारी यानी कि मस्जिदों की, तो अभी हम वीडियो थोड़ी देर तक बनाते हैं और अजानें होने देते हैं, अजान के बाद मिलते हैं आपसे। जी तो भाई साहब, हम वापस आ चुके हैं। तो यार रात को ना बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा लेट, क्योंकि मैं और बिलाल साथ बैठ कर कुछ काम वगैरह कर रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट असाइनमेंट वगैरह आई हुई थी, हम वो बैठकर कर रहे थे, और फिर बिलाल चला गया था घर पे, दूसरा दोस्त आ गया था, क्योंकि बिलाल को डिवाइस राउटर्स वगैरह देनी थी पीटीसीएल वाली, वो मैंने उठा कर दी है। मैंने कहा यार आप जाओ घर, लेट हो रहा था। तो दूसरा हमारा दोस्त आ गया था, हमने रात को तकरीबन 2 बजे तक बैठ कर वर्क किया, और फिर मैं सोया हूँ और सुबह उठ गए हैं तकरीबन कोई 11:30 बजे उठे हैं, अभी इस टाइम 12 बज रहे हैं। नीचे हमारा बन रहा है नाश्ता, और
मैंने कहा भाई कल का व्लॉग एंड नहीं हुआ, क्योंकि रात को बहुत ही ज़्यादा लेट तक वर्क करते रहे थे भाई, बहुत ही ज़्यादा। आंखें इस टाइम ना भाई की बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रही हैं। ऊपर आकर बैठा हूँ मैं थोड़ा सा धूप में इनके पास, इनको खाना शाना थोड़ा सा डाला है, ये देखो ये कैसे खा रही हैं। और मैंने कहा मैं ऊपर आकर थोड़ा सा बैठता हूँ, क्योंकि ठंडी बर्फ़ हवा चल रही है, ऊपर धूप निकली हुई थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा धूप में बैठ जाते हैं भैया। तो अभी बस खाना शाना खाएंगे और फिर आज का जो प्लान है वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लग ही जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा, व्लॉग पसंद आया हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर लाजमी करें, इंस्टाग्राम पर भाई को फॉलो मस्त है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।